सो आप लोगों में से बहुत सारे जन ने मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि सागर भाई अपनी जो साइकिल है वो आफ्टर यूजिंग ऑफ सेवरल मंथ अराउंड 2 या 3 महीने के बाद पीछे का टायर बहुत हार्ड फील होने लगा है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, इट्स नॉट जस्ट लाइक स्मूथ एज इट्स बिफोर। सो उसका सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मीरा की और ये हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, आवर चैनल नेम। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बता दिया कैसे ब्रेक पैड चेंज करते हैं, जो अपनी साइकिल की चेन जो लूज हो जाती है आफ्टर यूजिंग सेवरल पीरियड, अराउंड सेवरल पीरियड बोले तो अपना 7 महीना अराउंड 700-800 किलोमीटर के बाद लूज हुई है। सो उसको हमने दिखा दिया था कैसे टाइट करनी है और ब्रेक पैड कैसे चेंज करने हैं। सो वो वीडियो आपने दिखा नहीं गया तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आज मुझको बहुत सारे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि पीछे का टायर का परफॉर्मेंस पहले जैसे नहीं रहा, जैसे स्टार्टिंग में जब साइकिल न्यू थी। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो अपनी चेन है, जो आगे का पैडल और पीछे का जो स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट का टोटल यूनिट है, उसके अंदर ना बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है। ये देख लीजिए, ये बहुत सारी डस्ट है जो इवन आप साइकिल वॉश करते हो तभी आप भूल जाते हो कि वो एरिया भी क्लीन करने का। मैं तो नॉर्मल क्लीन करता हूँ, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम मुझे कभी फेस नहीं हुआ। जी हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था अराउंड 2 महीने के बाद, तब ये सॉल्यूशन फॉलो करने के बाद ये परफेक्टली हो गया था। सो ये जो डस्ट है वो क्या करती है, वो यहाँ पे जो बेरिंग्स है, अब यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपरली ये एरिया। सो ये अंदर का पार्ट एज इट इज वैसा ही रहता है और बाहर का पार्ट रोटेट होते रहता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये देख लीजिए, सो यहाँ पे जो डस्ट है, ये सब गंदगी जो डस्ट है, सो वो अंदर की तरफ चली जाती है। और बिकॉज ऑफ दैट जब भी आप पैडल यूज़ करते हो तो यहाँ का एरिया आपके अंदर जो डस्ट जाके वो हार्ड हो जाता है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोथ से वो टोटल एरिया क्लीन करना है और उसके बाद उसके अंदर डालना है ऑयल। सो ऑयल में कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, गियर ऑयल, जो सेम मैं यूज़ करता हूँ मेरी बाइक की चेन लूप करने के लिए। एज हमने लास्ट टाइम अपनी साइकिल की चेन टाइट की थी तो उसके बाद लूप नहीं किया था, सो आज मैं वो चेन लूप भी करूँगा और इस यूनिट को क्लीन करके उसके अंदर भी लूप डाल दूँगा। बिलीव मी फ्रेंड, ये प्रोसेस आप जस्ट फॉलो कर दीजिए, उसके बाद आपकी साइकिल का पीछे का रियर टायर का परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाएगा जस्ट लाइक अ न्यू। कोई भी ओल्ड क्लोथ यूज़ कर सकते हैं आप क्लीन वाला, ऐसे आप रोटेट कर करके उसको क्लीन कर सकते हो। ये हो गया पीछे की तरफ क्लीन, अभी जो अपनी चेन भी है उसको भी मैं क्लीन कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ से भी। अंदर की तरफ सो अपनी चेन चारों जगह से क्लीन हो चुकी है। अब ये वाला पार्ट जो हमने दिखाया था, इसके अंदर बहुत सारी डस्ट थी, तो ये देख लीजिए आप, ये कंप्लीट क्लीन हो चुका है एरिया। अभी हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच वाले एरिया में गियर ऑयल डालेंगे। सो उसके लिए हमको साइकिल को थोड़ा लिटाना पड़ेगा। सो अभी आप देख सकते हो साइकिल को मैंने उस जो सीढ़ी है उसके सपोर्ट्स में और इस डोर के सपोर्ट में ऐसे टेढ़े रखा है। टेढ़ा क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप सीधा रखते हो साइकिल और फिर ऑयल उसके अंदर प्योर करते हो तो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर धीरे 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 रिमूव हो जाएगा। सो जितनी टेढ़ी हो सके उतना बेटर है। सो ये गियर ऑयल है जो मैं यूज़ करता हूँ, 140 ग्रेड का है। आपके यहाँ पे कोई भी मशीन ऑयल रहेगा या और इंजन ऑयल भी रहेगा वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको गियर ऑयल यूज़ करना है। एज आई हैव ऑलरेडी यूजिंग इट फॉर लूबिंग द चेन ऑफ माय बाइक्स। सो इसको यहाँ से आपको प्योर करना है जस्ट लाइक द साइड, उसके अंदर डालना है, दैट्स इट, ज़्यादा भी नहीं। आई डोंट नो अगर आप सुन पाते हो, बेरिंग की साउंड सुनिए जो पहले नहीं आ रही थी, जैसे मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया तो बेरिंग का साउंड आने को चालू हो गया।
ये देख लीजिए। सो थोड़ा टाइम रुकते हैं, लेट्स द ऑयल गेट सेटल इनसाइड, और उसके बाद वापस एक बार से मैं इसे उल्टा पैडल घुमा के डालेंगे और उसके बाद पैडल को सीधा घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से बेयरिंग के अंदर स्प्रेड हो जाए। नॉर्मली ग्रीस यूज़ करना है बट ये यूनिट जो रहता है वो टोटल लॉक रहता है, सो ऑयल इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। सुन लीजिए आवाज़। That's it. एकदम स्मूथ हो गया है, ये देख लीजिए। गियर ऑयल जो है जो उसका कमाल विद इन फ्यू सेकेंड्स स्टार्ट कर लेता है, ये देख लीजिए स्मूथनेस। सो अभी चेन को भी अपनी लूप कर लेता हूँ साइकिल को स्टैंड पे डाल के। तो अपनी चेन का भी लूबिंग हो जाएगा, जस्ट स्लाइडली 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 ड्रॉप उसके अंदर ड्रॉप करने हैं आपको, ज़्यादा भी नहीं, ये तो नीचे टायर के ऊपर गिर जाएंगे। आगे वाले स्प्रॉकेट में भी सो अभी आपको चेन लूप कैसे किए हो एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए कितना स्मूथ हो गया है। अभी साइकिल को थोड़ा चला के स्मूथ कर लेता हूँ। विद इन 5 या 6 राउंड में भी आपको स्मूथनेस का फील होने को चालू हो जाता है। नाउ फीलिंग साइकिल जस्ट लाइक अ न्यू बिकॉज अपने नए ब्रेक पैड्स डाल दिए हमने, चेन का प्ले एडजस्ट किया है जो लूज हो गई थी, उसके बाद चेन को लूप किया है और अपना जो पीछे वाला स्प्रॉकेट था उसको भी लूप कर दिया है। सो ओवरऑल अपनी साइकिल हो गई है न्यू। अब जैसे इसको वॉश कर दूंगा तो इसकी लुक भी परफेक्ट हो जाएगी। बारिश में हफ्ते में एक बार और नॉर्मल डेज में 2 वीक्स में एक बार इसको मैं कम्प्लीटली वॉश करता हूँ अपने टेरेस के ऊपर ही। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, सेम प्रोसेस था जो मैं फॉलो कर रहा था और आप लोग की कमेंट भी आ रही थी कि कैसे करनी है चीज़, बिकॉज बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है साइकिल को। नॉर्मली ऑफ कमेंट आई गेट बिकॉज पब्लिक साइकिल तो इलेक्ट्रॉनिक ले लिए पर कभी कभी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो दैट्स टाइम दे स्विच ऑफ द मोटर और इस साइकिल को नॉर्मल साइकिल की तरह यूज़ करने को ट्राई करते हैं। सो 22.3 kg वेट है, सो नॉर्मल अपनी साइकिल के जैसा हल्के नहीं है, सो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पैरों के ऊपर लोड आ जाता है। जब ये पीछे वाले स्प्रॉकेट में डस्ट आ जाती है तो बहुत ताकत लगानी फील होती है। तो पब्लिक के माइंड में होता है यार स्टार्टिंग साइज में तो अच्छी थी, अभी क्या हो गया, साइकिल में कुछ फॉल्ट है। जी हाँ, साइकिल में कुछ फॉल्ट नहीं रहता है, अगर आप अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन रखोगे तो इसकी क्वालिटी और इसका परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। सो दैट्स इट माई फ्रेंड, इफ एनी आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो डू हिट दैट लाइक बटन, हमको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट यू ऐसे साइकिल के, बाइक के, कार्स के, नई नई जगह एक्सप्लोर करने वाले सब वीडियोज़ आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो इफ यू गाइज नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, आई रिक्वेस्ट टू मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दीजिए। अपने वीडियो के नीचे आते ही रहता है अपने इंस्टा का आईडी और इवन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टा का आईडी है, सो यू गाइज कैन बी फॉलो भी ओवर देयर फॉर कॉन्स्टेंट अपडेट्स अबाउट द साइकिल्स, माई राइड्स। सो फ्रेंड्स ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या, बाय बाय। अभी थोड़ी और चलाऊंगा बिकॉज अभी फील आने को चालू हो गया है।